ये नहलाने के लिए यहाँ पे मिल गया टब जिसमें गर्म पानी है, और एक ये है खाली जिसमें मैं खड़ा रखूँगी बेबी को, और साबुन ले लिया, शैम्पू ले लिया है, और ये टावल ज़रूर रख के क्योंकि नहलाते ही ठंड लग जाती है बच्चे को। वैसे मैं वॉशरूम में ही नहलाती हूँ लेकिन वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बेटर है। और यू भी आ गया नहाने के लिए, गुरु बैठ गया है यहाँ पे तैयार है। और मैंने इसको ये पैंट इसलिए बनाया क्योंकि यूट्यूब पे यू नो कि रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, थोड़े से कंडीशंस होती है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए इसलिए। और ये काम किया है युवान ने। अब मैंने इसको नहलाना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं हमेशा पाँव से स्टार्ट करती हूँ, और जब मसाज भी करनी होती है तो भी मैं पैरों से स्टार्ट करती हूँ तो सही रहता है। जैसे कि ना हम पहले पहले लोअर बॉडी वॉश कर लेते हैं तो ऊपर तक क्या है ना ठंड जल्दी लग जाती है बच्चों को सर में, इसीलिए मैं सर को लास्ट में धोती हूँ। और जो हेयर वॉश करना होता है शैम्पू का, वो भी बच्चों का ना डेली नहीं करते, जैसे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहला देती हूँ बच्चे को, तो मैं डेली ऐसा हेड वॉश नहीं करती हूँ, हेयर वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना ज़रूर नहीं होता है। बच्चे तो जैसे अंदर ही रहते हैं, वो ज़्यादा उनको सफाई की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। जैसे मसाज डेली होती है तो उसमें भी क्लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने किया है, यहाँ पे पाँव को वॉश किया है, देन हाथों को, जो हाथों की अंगुलियाँ होती है उनको अच्छे से, यहाँ पे मेरा यूवी आया था मुझे किसी की, और जब वो खुश होता है तो ऐसे ही प्यार करता है मुझे भी और उसके पापा को भी, कभी भी जाके किसी कर देता है। देन अभी मैं इसको नहला रही हूँ जिससे कान वगैरह हो सब अच्छे से साफ़ करें, एंड हल्के हल्के से पानी डाला, और पानी बिल्कुल एकदम है ना ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंडा नहीं है, तो ऐसे क्या, और है ना अभी धूप आ रखी है, जैसे टाइम भी काफ़ी हो गया है तो धूप आ चुकी है बाहर, और ऊपर जो है हमारे वहाँ से धूप तो नहीं आती लेकिन रोशनी आती, तो जैसे रोशनदान है तो उसकी वजह से वहीं पर नहला रही हूँ कि ज़्यादा ठंडा भी नहीं लग रहा, और हवा तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए जब बच्चे को नहलाते हैं। बस अब मैं हेड वॉश कर लेती हूँ, तो हेड वॉश के लिए जो बेबी शैम्पू है वही मैं यूज़ करती हूँ। सारे प्रोडक्ट्स जो है मेरे मोस्टली हिमालय के ही है, क्योंकि मैंने युवान के टाइम पे भी वही यूज़ किए थे और मैं इसके टाइम पे भी हाँ वही बेटू, यूज़ बस कर रही हूँ। बस बस एंड मेरा जो गुरु है वो टचवुड की ऐसे नहा लेता है, वो बिल्कुल ड्रामा नहीं करता है, रोता नहीं है जैसे बच्चे रोते हैं ना काफ़ी, तो वैसे बिल्कुल नहीं रोता, वो बहुत इंजॉय करता है। जैसे मसाज करो या फिर नहलाओ तो बहुत अच्छे से नहा लेता है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और ये जो आप निशान देख रहे हैं शोल्डर पे, तो ये वैक्सीन का जो फर्स्ट वैक्सीन लगा था हाँ। तो इसका नहाना हो गया है, और अब मैं टब में इसको नहला देती हूँ ये उतार के पूरे अच्छे से। तो ये मैं कैप्चर नहीं करना चाहती हूँ, तो बस मैं ऐसे ही बात करती हूँ, और भी ठंड लग रही है तो फटाफट से इसको नहला के देन टावल में इसको मैं लपेट देती हूँ।